एंकर। सबसे पहले तो बोर्ड अपेयरिंग स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब के लिए मेरी एक ही सुझाव है कि प्लीज़ रिलैक्स रहो, गिव योर बेस्ट, दिस इज़ नॉट द एंड। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो बहुत ही शांत तरीके से आप अपने एग्ज़ाम्स दीजिए और नेक्स्ट अपनी करियर को चूज़ करने के लिए है ही हम लोग। तो आज हमारी जो एपिसोड है वो हम डेडिकेट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्रिएटिव वर्ल्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अ वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर डिज़ाइनिंग की मैं बात करूं तो सबसे पहले एक ही ऑप्शन माइंड में आता है, वो है फैशन डिज़ाइनिंग। बट दिस इज़ नॉट द एंड। डिज़ाइनिंग से अगर मैं बात करूं तो आप किस तरीके से आज के दिन में कैसे लुक्स आएंगी, वहाँ से अगर स्टार्ट होगी, पैकेजिंग कैसी होगी एक प्रोडक्ट की, किस तरीके से कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग, आप किस तरीके से आगे चल के एक कोई ब्रांड को लॉन्च करेंगे, वहाँ से डिज़ाइनिंग की स्टार्ट होती है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, अगर मैं डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो आई थिंक एंडलेस है। बट आई एम नॉट द वन जो इसके ऊपर बात करेंगे। मैंने इसीलिए आज स्टूडियो में इन्वाइट किया है मिसेस शिप्रा आनंद को, जो 21 ईयर्स से इसी इंडस्ट्री में है। शिप्रा मैम अपनी जो उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किए, शी वाज द फर्स्ट बैच ऑफ मास्टर्स ऑफ NIFT न्यू दिल्ली एंड शिप्रा आनंद AFC एक जाना माना नामे इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। शी इज़ द फाउंडर ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एंड शी वाज द फाउंडर कंसल्टेंट फॉर JD फैशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। सो ज़्यादा बातें ना करके लेट्स वेलकम हर ऑन आवर एपिसोड टुडे। शिप्रा आनंद मैम इज़ द फाउंडर ओनर ऑफ शिप्रा आनंद AFC इंस्टीट्यूट लखनऊ एंड शी वाज द फाउंडर कंसल्टेंट फॉर JD इंस्टीट्यूट लखनऊ ऑल्सो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके लेट्स वेलकम मिसेस शिप्रा आनंद ऑन टुडेज एपिसोड। शिप्रा आनंद मैम, वेलकम टू करियर काउच विद शुभांकर। थैंक यू सो मच। सो शिप्रा मैम, काफ़ी सालों से हम सब आपको जानते हैं, जितने भी फैशन इवेंट्स होते हैं लखनऊ में, यू आर वन ऑफ द लेडी जहाँ पे हर जगह पे आप दिखते हैं। सो आज हमने आपको इसीलिए इनवाइट किए जो स्टूडेंट्स डिज़ाइनिंग वर्ल्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, प्लीज़ उनको गाइड करिए। कि सबसे पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाउ डू अ स्टूडेंट आइडेंटिफाई कि उसको जो है इंजीनियरिंग या मेडिकल या फिर किसी और फील्ड में ना जाके डिज़ाइनिंग करियर में अपना दुनिया देखना है? थैंक यू सो मच शिमुल, इट इज़ अ ब्यूटीफुल इनवाइट दैट यू सेंट एंड मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे आपके साथ आके। और आपका ओपनिंग क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये सबसे बड़ी जो एक कहते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है वो यही है, क्योंकि पेरेंट्स के तो जहन में डिज़ाइन एज अ करियर दूर दूर तक होता भी नहीं है, तो उसको साइड हॉबी में रखा जाता है। हाँ, इट्स ऑलवेज अ हॉबी है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके हैं इसके। एक तो प्रोफेशनल तरीका है जिसमें बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट ले सकते हैं और वो उनका एप्टीट्यूड, उनकी पर्सनालिटी, उनका इंटरेस्ट मैचिंग से उनके में डिज़ाइन के प्रति उनका जो भी रुझान है वो उसमें जाहिर हो जाता है। तो यदि किसी को स्टैटिस्टिक्स पे यकीन है और प्रोसेसेस पे यकीन है तो वो ये तरीका अपना सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका है वो जो ज़्यादा कॉमन तरीका है, वो है स्टूडेंट्स फाइंड देयर ओन कॉलिंग, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट आपको अपने जहन में पता होता है कि आप कहाँ बिलोंग करते हैं। प्लस जो भी बच्चा ज़रा भी क्रिएटिवली इंक्लाइंड है, अब वो क्रिएटिव ज़रूरी नहीं है कि वो शुरू से डिज़ाइन कर रहा हो, करते भी नहीं है, या खाली स्केचिंग या खाली, ये भी ज़रूरी वो भी ज़रूरी नहीं है। आपका अगर शब्दों के प्रति रुझान है, यू राइट वेल, आप अच्छा लिखते हो, आप अच्छा बोलते हो, आप अच्छे वाचक हों, या आपकी ओरेटरी स्किल्स अच्छी है, या आप स्केचिंग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप वो नहीं करते होंगे, आप क्राफ्ट बेस्ड इंटरवेंशंस में काम करते रहते हैं, आप कुछ ना कुछ करते, इनिशिएटिव लेते हैं, आप कुछ भी अपने से सोच के करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स इस बात को अपॉइंट करते हैं कि आप इस फील्ड के लिए बने हुए हैं। तो आई थिंक मैं अगर इसको समरअप करूँ तो अगर आप क्रिएटिव माइंडसेट के हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा आता है, तो ज़रूर आप इस फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट? बिल्कुल, ये एक मिथ है कि आपको अच्छा ड्राइंग करना या अच्छा पेंटिंग करना आना चाहिए यदि आपको डिज़ाइनर बनना है तो आपको बस अच्छा सोचना आना चाहिए, आपकी सोच जो है वो आम से परे होनी चाहिए, आप डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो शिप्रा मैम बेसिकली आप लखनऊ से ही बिलोंग करती है? जी मैं लखनऊ से। तो अगर मैं आपकी बात करूँ, यू वर द फर्स्ट बैच, मास्टर्स बैच NIFT न्यू दिल्ली, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने निट वेयर में किया हुआ है। सो मैम किस ईयर की मैं ये बात करूँ? 94। ओके, सो 1994 में इतना ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ, अगर मुझे जितना याद है NIFT और NIFD इन्हीं के लिए जो है स्टूडेंट्स ज़्यादा चूज़ करते थे। तो लेकिन आपने नेटवेयर को किस तरीके से आपने सोचा कि ये एक फील्ड है जहाँ पे आप आगे बढ़ सकती है? ओके, यहाँ पे शिमल, यहाँ पे दो कॉलेजेस हैं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं। एक है NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ओके, ये उस सब आप सही कह रहे हैं, ये जब की बात है, ये प्री इंटरनेट डेज की बात है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत इजी एक्सेस नहीं था। आई थिंक फैशन डिजाइनिंग ही खाली था या फिर इंटीरियर फैशन डिज़ाइन था। इनफैक्ट NIFT में उस टाइम पे NIFT में फोकस एक्सेसरी डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइन पे था। और ये मैं कहूँगी कि हमारी खुशकिस्मती थी कि जब हमारा वक्त आया अप्लाई करने का तो वही टाइम था जब NIFT ने मास्टर्स प्रोग्राम लॉन्च किए और 3 डिफरेंट सुपर स्पेशलाइजेशंस भी लॉन्च किए, टेक्सटाइल डिज़ाइन, निटवेयर डिज़ाइन एंड लेदर गुड्स एंड एक्सेसरी, लेदर डिज़ाइन। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो नए आयाम खुले हम लोगों के लिए, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद ये ऑप्शन चुना था। सो ग्रेजुएशन में आपका क्या था? ग्रेजुएशन मेरा फिजिक्स, मैथ्स एंड जियोलॉजी से BSc है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। एंड ग्रेजुएशन करने का पर्पस ये था, क्योंकि जब हम बात करें 30 साल पुरानी, तो उस टाइम पे ये जो स्ट्रीम थी, इवन NIFT एंड NID ये कॉलेजेस डिग्री नहीं देते थे, ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स ही थे, वोकेशनल कोर्सेज थे और डिप्लोमा कोर्सेज थे। तो ये तो बहुत क्लियर था कि आप 12th ग्रेड के बाद सिर्फ डिप्लोमा होल्डर बन के नहीं रह सकते। तो ग्रेजुएशन का पर्पस एक डिग्री कंप्लीट करना था, तो आपकी एजुकेशन जो है डिग्री बेस्ड हो। उसके बाद आइडियली मेरा थॉट था कि मैं फिर से UG डिप्लोमा के लिए जाऊंगी, क्योंकि तब तक तो PG डिप्लोमास के ऑप्शंस थे ही नहीं। खुशकिस्मती, मैंने जैसा बोला, जब फॉर्म वक्त आया फॉर्म डालने का, तो उसी साल PG कोर्सेज अनाउंस हुए थे NIFT से। और बाकी तो एज दे से गॉड वाज विलिंग। एंड सो एट व्हाट एज यू आइडेंटिफाइड कि नहीं मुझे डिज़ाइनिंग में जाना है आगे? I identified around grade 8. Okay. Grade 8 was the time, which was probably in 87, and because NIFT got established in 86, and I'll give this credit of information transfer to one of my maternal uncles who's no more here, but he was in the army and he was well travelled. तो उनके ज़रिए मुझे NIFT के होने का पता चला था और वहाँ से ही एक ड्रीम बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी। उसके पहले तक तो PCM फॉलोड बाय सिविल सर्विसेज वाज द रूट। सो यस। ओके, तो आप सारे स्टूडेंट्स के लिए भी इधर एक टिप है कि सिविल सर्विसेज और सारी चीज़ें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी तो बिल्कुल करते रहिए, लेकिन हाँ अगर माइंड में पैशन है डिज़ाइनिंग की तरफ तो ज़रूर एक बार आइए और काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करिए। राइट मैम? इनफैक्ट शिमुल वेरी वेल सेड। ये करियर काउंसलिंग अबाउट डिज़ाइन एंड टेक्निकली माई करियर हैज़ बीन डेडिकेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स क्रिएशन एंड डिज़ाइन, एंड विच इज़ because it was very important, because I had gone through a certain process and certain phase. और इत्तेफाक से जब मैं वापस आई तो तब भी लखनऊ में मैं चुनिंदा एक आध निफ्टियंस में से ही थी जो वापस आए होंगे। जाने वाले ही एक आध थे, दो तीन थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वापस आने वाला कोई नहीं था। अवेयरनेस था ही नहीं। तो वो एक तरह से जो खुद का करियर है, जो ह्यूमन रिसोर्स क्रिएशन एंड डिज़ाइन में गया, जिसमें हमने करियर काउंसलिंग एंड करियर अवेयरनेस अबाउट डिज़ाइन करियर्स, फिर मेंटरिंग एंड हैंड होल्डिंग, जब आप बच्चों को ख्वाब दिखाते हैं, एस्पिरेशन शो करते हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके ख्वाब को पूरा होने तक आप उनका साथ दें. तो फिर ये इस तरीके से एक डिज़ाइन टेस्ट प्रेप की मेंटरिंग और पोर्टफोलियो बिल्डिंग, स्किल बिल्डिंग की मेंटरिंग, ये एक और डायमेंशन ऐड हुआ हमारे वर्क पोर्टफोलियो में. एंड देन फिर कई बच्चे ऐसे थे जो अवेयरनेस होने के बावजूद किन्हीं कारणों से लखनऊ छोड़ के नहीं बाहर जा सकते हैं, या हर कोई नेशनल कंपटीशन में जगह शायद ना पा सके, लेकिन वो टैलेंट में कम हो ऐसा नहीं हो सकता. तो उसी का एक और प्रोग्रेशन था जिसमें हम जेडी इंस्टीट्यूट लखनऊ लेके आए फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन लखनऊ. शिप्रा मैम, मैं वही स्कूल से ही अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी. जितना मेरी नॉलेज है, आप एनईपी के तहत जो अब कोर्सेज जो स्टार्ट हुए हैं, आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम 8th, राइट? तो आपका प्रोग्राम एक चल रहा है सीएमएस, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के साथ. कुछ बताइए ये किस क्लास से आपने ये स्टार्ट किया है, बिकॉज दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो आपने ऑलरेडी आई थिंक स्टार्ट कर दिया है, राइट? जी शिमुल, ये मेरे लिए, मैं ये कहूँगी कि ये 25-27 सालों की मेहनत का नतीजा है, जिसमें अब स्कूल्स का सेंसिटाइजेशन हुआ है और स्कूल्स भी अब प्रोएक्टिव हो रहे हैं. और सीएमएस के साथ इवन अभी आपको जान के खुशी होगी कि लमाटिया गर्ल्स कॉलेज ने भी ये इनिशिएटिव लिया है. एंड इसमें ग्रेड 9 ऑनवर्ड्स जो इलेक्टिव्स की बुके है वो बहुत खूबसूरत है. एंड मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि बोर्ड्स, चाहे वो ICSE हों या CBSE हों, इनके पास डिज़ाइन बेस्ड अच्छे इलेक्टिव्स मौजूद हैं, बट ये स्कूल्स का इनिशिएटिव होना है कि आप कौन से इलेक्टिव्स ऑफर कर सकते हैं. नॉट दैट स्कूल्स डोंट वांट टू, अब उनको ये चूँकि स्पेशलाइज्ड डोमेन्स हैं तो यू नीड टू हैव स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स और समबडी हु कैन हेल्प यू विद दैट. तो वो सारे अब चीज़ वो बढ़ा नहीं सकते स्कूल के. एग्जैक्टली. सो आई थिंक दिस इज़ अ मेजर रीज़न जहाँ पे और सब्जेक्ट्स जो बच्चों को तो, और ज़्यादा मौजूद होना चाहिए, राइट? तो अभी जो है फैशन डिज़ाइन, डिज़ाइन का खुद का एक सब्जेक्ट है जो सिर्फ डिज़ाइन है, या डिज़ाइन थिंकिंग के मॉड्यूल्स हैं. हम लोग इस पे भी अब स्कूल इंटरवेंशंस कर रहे हैं, जिसमें कि ग्रेड 9 से ऑनवर्ड्स हम जो है फैशन डिज़ाइन के, अपैरल के और टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड इवन डिज़ाइन एज अ करिकुलम, इनके अपने कोड्स हैं. यहाँ तक कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया रहा कि ISC में करिकुलम बहुत अच्छा है हमारे पास, बट कोई डेडिकेटेड स्कूल टेक्स्ट बुक्स नहीं है. तो ईश्वर की कृपा रही कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली. मैंने 2 बुक्स ग्रेड 11, ग्रेड 12 के लिए क्यूरेट किया, स्क्रिप्ट किया, उसका मौका मिला. मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की. ओके, सो अभी जो आप ये इलेक्टिव जो आपने स्टार्ट किया है, दिस इज ओनली फॉर ISC बोर्ड, not for CBSE? No, both offer. Currently, we got the opportunity to work with ISE schools only. We are looking and open to reaching out to CBSE schools also. हम उनकी भी उतनी मदद करने के काबिल हैं. इत्तेफाक ये है कि अभी ISE schools. But CBSE has also started this. CBSE has lovely options. हाँ जी. Fine. तो मैम, ये तो एक चीज़ होगी कि आप स्कूल करिकुलम में जो है आप इसको इनकलकेट कर रहे हैं. सेकेंड चीज़ है प्रीपरेटरी, जो इसमें आप शिप्रा आनंद AFC जो स्पेशलाइज करता है प्रीपरेटरी कोर्सेज के लिए, इसके बारे में प्लीज़ आप बताइए कि कब से स्टूडेंट को ये स्टार्ट करना चाहिए एंड व्हाट आर ऑप्शंस दे हैव, राइट? जैसे कि अवेयरनेस बढ़ रही है तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव नेचर भी बढ़ रहा है इस डोमेन में भी. तो अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, डिज़ाइन एंट्रेंस प्रेपरेशन एंड टेस्ट की बात करते हैं, तो ब्रॉडली 3 टेस्ट हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स को टारगेट करना होता है. एक एग्ज़ाम कहलाता है UCEED का, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइन, जो IIT बॉम्बे कंडक्ट करता है, और एक NID का एग्ज़ाम होता है और NIFT का एग्ज़ाम होता है. देन एक और INI कॉलेज है FDDI, उसका भी एग्ज़ाम होता है. तो इन और गवर्नमेंट सेक्टर में एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी है, IICD इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट डिज़ाइन, जो जयपुर में है, उसका भी एग्ज़ाम होता है. तो ये गवर्नमेंट के जितने प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, INI कॉलेजेस, इनके लिए अब कॉम्पिटिटिव लेवल थोड़ा सा टफ है. तो मेरा सजेशन है कि अगर बच्चा ग्रेड 10 में अपना असेसमेंट्स ले ले, करियर बेस्ड असेसमेंट ले ले और या खुद से डिसाइड कर ले, माइंड मेकअप कर ले कि हाँ डिज़ाइन हमारा डोमेन है, तो ग्रेड 11 ऑनवर्ड्स उसको स्किल बिल्डिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके एंट्रेंसेस सिर्फ एकेडमिक बेस्ड नहीं होते, एक जो जनरल एप्टीट्यूड जो बाकी एंट्रेंसेस का भी हिस्सा है वो तो इसमें शामिल है ही है। इसके साथ स्किल बेस्ड एक पेपर होता है क्रिएटिव एप्टीट्यूड, डिज़ाइन एप्टीट्यूड का, जो ड्राइंग पेपर होता है और आपके आइडिया जनरेशन, विजुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन को टेस्ट करता है। तो उसकी स्किल बिल्डिंग थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, क्योंकि वो स्किल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, सिर्फ एकेडमिक रोट लर्निंग नहीं है, इसलिए ग्रेड 11 से स्टार्ट करना बेस्ट है। अदरवाइज तो जब जागे तब सवेरा एंड बेस्ट ऑफ लक तो है ही। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जो मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके लिए आपकी क्या सजेशन है? मैथ्स में इंटरेस्ट ना होना कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि जो बच्चा मेरे पास आता है ये कह करके कि मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, पहली चीज़ आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, उतनी ही लगेगी जितनी कि ग्रेड 10 लेवल तक आपको रिक्वायर्ड होती है। ग्रेड 10 तक मैथ्स सब पढ़ते हैं, चाहे हंस के या रो के मोस्टली, राइट। कई कम ही स्कूल्स हैं जो ग्रेड 8 के बाद आपको मैथ्स छोड़ने का मौका देते हैं। तो अगर आपने ग्रेड 10 तक मैथ्स पढ़ी है और ग्रेड 12 के बाद ग्रेड 7, 8, 9 के मैथ्स को रिविजिट करना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो बस कॉम्पिटिटिव लेवल तक ही आप मैथ्स कर लीजिए, उससे ज़्यादा की रिक्वायर्ड नहीं है। बट यूसीड के लिए तो आपको मैथ्स वहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए। नहीं, ये एक मिथ है। यूसीड के एंट्रेंस के लिए पीसीएम एलिजिबिलिटी में शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक फिल्टर है। क्वालिफाई करने के बाद कुछ आईआईटीज पीसीएम फिल्टर लगाते हैं, तो एग्ज़ाम देने के लिए कोई फिल्टर नहीं है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में कंसिडरेशन के लिए ये फ़िल्टर हो सकता है। ओके शिप्रा मैम, अब मैं लास्ट की तरफ मेरे क्वेश्चन है, डिज़ाइनिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आता है? बिकॉज अगर मैं वॉच डिज़ाइनिंग से लेके शू डिज़ाइनिंग से लेके एवरीथिंग आजकल डिज़ाइनिंग में आ रहा है, तो आप डिज़ाइनिंग में बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शंस है जो वो देख सकते हैं? वंडरफुल क्वेश्चन शिमल, एंड आई विल एड्रेस इट विद वन कोट ऑफ माइन, आर्ट मे बी अ चॉइस, डिज़ाइन इज़ डिफ़ॉल्ट। Okay. Yes. Design exists. Absolutely. So अगर design exist करता है but everything is not made in the same manner. तो design जिस तरीके से हम engineering में कहते हैं कि degree है B.Tech umbrella degree, उसके बाद बहुत सारे domains हैं, इसी तरीके से design में B design या M design की umbrella degree है। इसके अंतर्गत 3 broad sectors हैं, एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेक्टर है, फिर कम्युनिकेशन एंड डिजिटल डिज़ाइन सेक्टर है, उसके बाद टेक्सटाइल अपैरल एंड एक्सेसरी डिज़ाइन सेक्टर आता है। इन 3 सेक्टर्स के हेड में बहुत सारे इस समय सुपर स्पेशलाइजेशंस, एटलीस्ट 20 सुपर स्पेशलाइजेशंस, सब स्पेशलाइजेशंस एंड विच लीड टू 50+ करियर प्रोफाइल्स इन द इंडस्ट्री। तो ये डोमेन्स इंडस्ट्रियल वाले, आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, प्रोडक्ट को भी आप हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल, फायर मटेरियल में डिवाइड कर सकते हैं। फिर आप इंटीरियर एंड फर्नीचर एंड स्पेस डिज़ाइन, अर्बन प्लानिंग, एग्जिबिशन डिज़ाइन, लैंडस्केप डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, एंड देन ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग, सिरेमिक एंड ग्लास डिज़ाइनिंग। सो even industrial sector has a load of options to choose from. Communication and digital sector फिर अपने आप में बहुत वास्ट और कंज्यूमिंग है। You have graphic designing, animation design, film and video communication, film and video editing, then user interface, user experience design, user experience research, then you have social design sector, digital design, game design, new media and multimedia design, information design, interaction design, universal design. So and then there is a domain called fashion communication. उसमें फिर आपके पास बहुत बड़ी फील्ड है, आप फैशन जर्नलिज्म, फैशन इवेंट मीडिया मैनेजमेंट, दैन फैशन फोटोग्राफी, फैशन क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग, दैन इमेज कंसल्टेंसी, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, immersive experience design, learning experience design. This is a whole range. Then we come to more popular segment of fashion design, textile design, leather design, knitwear, different accessory specializations like jewelry, footwear, carrybles, interior products, handicrafts. So it is a huge range. Everybody can find a space for themselves, depending what they are gifted with. My God, it's a vast menu of courses. It is a vast menu, and it leads to, as I said, 50+ career options. So my last question, how do a student identify a good college if not NIFT, NID, because everyone cannot get into these prestigious colleges. So how do they identify a good college for them? What is the best way? There are few checklists which anybody can look at. A, what is the credential of the college? How long is the college existing in the industry? Secondly, I will always recommend that go for a college that is dedicated to design, eat, sleep, breathe design college, not some college which is a part of some big umbrella setup and is run as a two-room program. Please avoid that. Go for a standalone colleges dedicated to design. They should have valid degree from Indian system. They should have good lab infrastructure, resources, good faculty resource. They should be able to place you in internships. They should give you workshops. They should be giving you exposure to craft clusters. They should be giving you access to all kinds of design related events and competitions. That is the max any college can do, and of course practical exposure, practical, exactly. It's learning by doing kind of a module, no? 75% is practical based. So the more you get exposure, the more you are part of on ground activities, and the more company connect, placement connect that college has for you. I think it should check all the boxes. So ma'am, अगर मैं North India के थोड़े से examples पूछूँ आपसे, top colleges अगर students उनके बारे में check करें, so can you guide them please? Definitely, we can look at this. We are talking beyond the government sector. So yes, all India, if we are looking at North only, we can look at colleges like UID, United World Institute of Design is a good college. World Institute of Design, World University of Design, WUD is a good college. Anand National University is a very good college. Yes, then we have Nirma University, which has Nirma School of Design, is extremely good college. Then we have the other colleges in terms of Symbiosis campuses are there, which are doing very well. Then MIT Institute of Design, which is having multiple campuses. Then we have this college. So any particular college in Lucknow you'll recommend? If we are talking about Lucknow, I will strongly recommend JD Institute, because we know how much of blood and sweat has gone into making it a good quality place. Because you go into any sector in the market, in the industry in Lucknow and outside of Lucknow, the JDNs, you'll find JDNs working there. Any good quality event in town, you'll find JDNs behind the scenes. Definitely, I should vouch on it, because जिस तरीके से आप लोग डेडिकेशन मैंने देखा है, पर्सनली मैंने देखा है डेडिकेशन, एंड जिस तरीके से स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिल रहा है, आई थिंक वो remarkable है. Thank you. I would really like to share that our Lucknow students are currently working with Shane Peacock in Mumbai, Manish Malhotra in Delhi Wing Sabyasachi office. So it's like they're doing not only in Lucknow, they are working very hard with good big names outside of Lucknow as well. Amazing, Shipra ma'am. I think ये never ending episode होगा, because the kind of knowledge you have students को मैं बार-बार recommend, मैं काफ़ी students को किया है मैंने और बार-बार करूँगी. In case you are serious towards this profession, so definitely you need a करेक्ट पर्सन जो आपको करेक्ट तरीके से एंड टाइमली आपको सारी चीज़ें काउंसलिंग करे कि आपको किस तरीके से कहाँ पे जाना है. राइट शिप्रा मैम? शिप्रा मैम, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन एंड ग्रेसिंग द एपिसोड. Thank you. I would like to thank Shimul and even Shubhankarji for this opportunity and invite, and I look forward to more such sessions. I hope I added value. Wishing all the best to all the students who are watching this. Students, I really hope आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही knowledgeable हुआ, because बहुत सारे जब हम आप स्टूडेंट से बात करते हैं, काफ़ी जगह पे आप लोग के क्वेश्चन मार्क्स होते हैं कि किस हिसाब से, क्योंकि गाइडेंस के लिए आप लोग आजकल क्या करते हैं, खाली यूट्यूब देख लेते हैं एंड ग्लैमर देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, स्पॉन्सर्ड ऐप एड्स देखते हैं सोशल मीडिया पे, एंड यू ट्रस्ट ऑन दैट. बट उसके जो उसके अंदर जाके सबसे पहले तो मैं बोलूँगी प्लीज़ विज़िट देयर वेबसाइट, जहाँ कहीं भी आपने जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को आपने सिलेक्ट किया है आप 1, 2, 3 ऑप्शंस देखिए, उनके वेबसाइट्स पे जाइए, उनके फीडबैक्स देखिए एंड जो राइट पर्सन है जैसे कि मिसेस शिप्रा आनंद मैम, आप प्लीज़ उनको कांटेक्ट करिए एंड देन यू चूज़ अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फॉर योरसेल्फ, बिकॉज एक यूनिवर्सिटी ही है जो आपका लाइफ लॉन्ग का करियर डिसाइड करने में हेल्प करता है। सो, आज के एपिसोड के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ करियर काज विद शुभांकर अभी बहुत जल्द बहुत इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल इवेंट्स भी ला रहे हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स इवेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है, इवेंट्स वॉलंटियरिंग में इंटरेस्टेड है, आप मुझसे आके मिल सकते हैं, हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे बात कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ हमारी OTT यस थर्ड आई OTT बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, विच विल बी अ प्लेटफॉर्म ओनली फॉर यू स्टूडेंट्स टू शोकेस योर टैलेंट्स। जो भी आपके पास टैलेंट है, मैं यही बात बार बार बोलती हूँ, हर एपिसोड में बोलती हूँ कि आप हर एक स्टूडेंट यूनिक है और आप सारे स्टूडेंट्स हमारे लिए स्पेशल है, बिकॉज आप सब में इंडिविजुअल टैलेंट्स है और हमारा यही कोशिश है कि हम वो टैलेंट सबके सामने तक लेके आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, देखते ना भूलिएगा करियर काउच विद शुभांकर ओनली एट प्राइम TV एवरी संडे 9 PM। तब तक टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।